हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज है फ्राइडे और हमने सोचा आज थोड़ा डिफरेंट टाइप का वीडियो लाते हैं, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का ट्राई करते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है हमारी सबसे पसंदीदा गाड़ी के ऊपर। ठीक है भाई, ये वो गाड़ी है जिसका इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस तो नहीं कर रही थी, लेकिन हिंदुस्तान के यूथ का, हमारे और आपके जैसा हर एक व्यक्ति जरूर कर रहा था। ठीक है, तो गाइस फाइनली गाड़ी लॉन्च हो चुकी है, 15 अगस्त को गाड़ी लॉन्च हो चुकी है। इसका फर्स्ट लुक आप सभी ने देख लिया होगा। ठीक है, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम में हर जगह इसके फोटोज वायरल हो रहे हैं, फोटोज एंड रील्स वायरल हो रही हैं। फिलहाल गाड़ी में फीचर्स भर भर के दे दिए महिंद्रा वालों ने। ठीक है, मैंने महिंद्रा नाम ले दिया है तो क्लियर है कि महिंद्रा की गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। एंड वैसे भी आप थंबनेल देख के समझ गए होगे हम बात कर रहे हैं नई महिंद्रा थार रॉक्स 5 डोर के बारे में। ठीक है, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आए हैं तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है। ठीक है, मैंने भी जब देखे पहले वेरिएंट्स तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं जिसमें आपको डिटेल में समझा देंगे भाई कौन से वेरियंट में मतलब कितना प्राइस पड़ रहा है एंड क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। ठीक है, एंड कौन सा वेरियंट मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू फॉर मनी होने वाला है, तो इस बारे में इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं महिंद्रा थार रॉक्स की बुकिंग कराने की या फिर उसके बारे में सोच रहे हैं थोड़ा भी, तो एक वीडियो आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो भाई पहले बताता हूँ कितने मॉडल्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी हर जगह जिस जो भी इसके एड्स देख रहे हैं आपने देखा होगा भाई, थार रॉक्स 5 डोर स्टार्ट फ्रॉम 12.99 लाख। ओके, तो ये देखने में ना बहुत फैसिनेटिंग लगता है। हम सोचते हैं भाई अभी जो 3 डोर थार आ रही थी चलो वही 15-16 तक आ रही थी और ये नई वाली तो 13 से स्टार्ट है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, 12.99 में एक बेस मॉडल आ रहा है इसका MX1, और उसमें इवन एलॉयज भी नहीं है, जो एलॉय व्हील्स है वो भी MX5 से स्टार्ट है। MX1 और MX3 में एलॉयज मतलब एलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं है अगर आपको एलॉय व्हील्स चाहिए, क्योंकि भाई थार बिना एलॉयज के तो बेकार लगेगी। हाँ, बाहर से अपग्रेड जरूर करा सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आप वो क्या चाहिए, और थार के एलॉयज भी काफ़ी महंगे आते हैं। ठीक है, तो पहले बात करेंगे सारे मॉडल्स के, मैंने मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मॉडल आ रहे हैं इसमें। तो भाई इसमें आ रहा सबसे पहले MX1, उसके बाद आपका MX3, फिर MX5, AX3, AX5 एंड AX7 एंड AX7L ऑब्वियसली। तो ये इतने सारे मॉडल्स हैं थार में। ठीक है, जो आपका XUV700 और स्कॉर्पियन के जो लंबे लंबे मॉडल्स आते हैं, जो इतने सारे मॉडल्स दिए महिंद्रा वालों ने, सेम थार रॉक्स में भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो एक एक करके बताएंगे हर मॉडल के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको उसमें मिल जाती है। सो भाई पहला मॉडल अपना MX1। तो MX1 जो है वो आपका स्टार्ट है 12.99 से, बट 12.99 में जो आपका मॉडल आ रहा है वो पेट्रोल मॉडल आ रहा है। इसमें आपको 2 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, इसमें आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा, रियर एसी वेंट मिल जाएंगे, 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, डुअल टोन इंटीरियर मिल जाएगा। ऑब्वियसली इंटीरियर जो रहेगा आपका सॉफ्ट टच नहीं रहेगा, वो हार्ड टच ही रहेगा। ठीक है, बट आपको इतनी सारी चीज़ें आपको ये बेस मॉडल से मिल जा रही है, ये अच्छी बात है। पुश स्टार्ट बटन आपको बेस मॉडल से मिल जा रहा है, काफ़ी सही चीज़ है। एंड भाई पेट्रोल टैंक की जो पहले वाली थार में चाबी बाहर देके खोलते थे ना, वो अब उसका बटन आपको अंदर दे दिया गया है। ब्लैक, व्हाइट एंड रेड, इन 3 कलर्स में ये MX1 वेरिएंट आपके लिए अवेलेबल होने वाला है। एंड अगर इसी में आपको डीजल इंजन चाहिए तो उसका प्राइस 1 लाख रुपए ज्यादा है, तो वो 13.99 पे मिलेगा आपको डीजल इंजन, वो भी मैनुअल है। दोनों ये MX1 में आपके दोनों वेरियंट जो आते हैं ये मैनुअल में आते हैं। भाई MX1 वेरियंट से आपको बड़ा सा टच स्क्रीन मिल जाएगा 10.25 इंच का। ठीक है, एंड आपको इसमें 4 स्पीकर मिलेंगे, जो टॉप मॉडल है उसमें आपका पूरा अच्छा साउंड सिस्टम आता है हारमन का, एंड उसमें सबवूफर भी है, ट्विटर भी है, सब कुछ है उसमें, पूरा 6 स्पीकर्स का सेट आता है, जैसे कि आपका XUV700 के टॉप मॉडल में आता है, सेम टू सेम उसी टाइप का। ठीक है, हाँ, बट इसमें स्पीकर की क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। हाँ, फिलहाल अभी हम MX1 के बारे में बात करते हैं, तो MX1 से ही स्टिक रहते हैं। एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको भाई, इसमें टायर साइज जो आएगा वो आपका 18 इंच का ही आएगा। अभी करंट जो 3 डोर थार है उसमें भी 18 इंच का टायर रहता है, तो इसमें 18 इंच का स्टील रिम आएगा, आपको अलॉयज नहीं आएंगे, जैसे मैंने पहले बताया MX1 और MX3 वेरिएंट्स में अलॉय व्हील्स नहीं है। आपको अगर आप वाला मॉडल लेते हैं तो आपको बाहर से आप उसको जरूर ले सकते हैं, आफ्टर मार्केट करवा सकते हैं, बट कंपनी से आपको नहीं मिलेंगे। भाई इंजन के बारे में बात करें तो जो डीजल इंजन है वो 2.2 लीटर का है, एंड जो पेट्रोल इंजन है वो 2 लीटर का इंजन है। ठीक है, दोनों इंजन करीबन 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए दोनों इंजन की स्पेसिफिकेशन, एंड बात करें इन दोनों की एवरेज की, पेट्रोल का जो एवरेज है वो 7 से 10 किलोमीटर के अराउंड रहेगा आपका। ठीक है, थोड़ा बढ़ भी सकता है, 12 तक जा सकता है आपका हाईवे वगैरह में, बट सिटी ट्रैफिक में आपका 7 से 10 किलोमीटर ही रहेगा पेट्रोल की एवरेज। बात करें डीजल की एवरेज की, तो डीजल का आपका 10 से 15 के बीच में वैरी करेगा। एंड ये MX1 जिस मॉडल की बात की हमने, ये स्ट्रिक्टली आपकी रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, ये आपको 4x4 में नहीं मिलेगा आपको ये मॉडल। सो गाइस एवरेज सारी गाड़ियों को, सारे मॉडल्स को ऑलमोस्ट सेम होने वाला है,
फर्क ही पड़ता है। ऑटोमेटिक वाले जो वेरियंट्स रहते हैं उसमें आप 1-2 किलोमीटर कम पकड़ लो एवरेज, ठीक है। अब ऑटो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक गाड़ी में जैसे ऑटोमेटिक गियरबॉक्स जहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से थोड़ा सा एवरेज में फर्क पड़ जाता है, बट वो चलाने पे भी डिपेंड करता है। कंपनी आपको एक ही एवरेज दिखाएगी, जो मैंने आपको एवरेज बताया है वो रियल लाइफ वाला है। ऑब्वियसली हमने गाड़ी तो नहीं चलाई है, बट जितने भी लोगों ने डाल रखा है लाइव वीडियोस डाल रखे हैं, ठीक है, इसका माइलेज टेस्ट वगैरह का, वहां से देख के मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एक जरूरी बात बताना मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट। एंड MX1 वेरियंट में आपको जो आपको हेडलाइट्स मिलेगी ये नॉर्मल प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलेंगे, इसमें LED नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए गाइस अब बढ़ते हैं अगले मॉडल की तरफ जो कि MX3 है, ठीक है। इसमें 3 वेरिएंट्स आएंगे आपके, एक आपको पेट्रोल ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिक में, इसमें पेट्रोल मैनुअल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, और अगला आपको मिलेगा डीजल मैनुअल एंड उसके ऊपर डीजल ऑटोमेटिक। तो 3 वेरिएंट्स आने वाले हैं इसमें, ठीक है। इसमें एडिशनल फीचर्स क्या क्या मिलेंगे तो उसके बारे में बता देता हूँ, बाकी MX1 तक जो भी आ रहा है वो तो ऑब्वियसली रहेगा, बट कुछ एडिशनल फीचर्स मिलेंगे तो उसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो भाई इसमें सबसे पहले आपको मिल जाएगा रियर पार्किंग कैमरा, जो कि बहुत जरूरी है, गाड़ी लंबी है तो ऑफिस को पार्क करने के लिए रियर पार्किंग कैमरे की बहुत ज्यादा जरूरत है। इससे पहले आपको रियर पार्किंग सेंसर मिलेंगे MX1 में, बट इसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाएगा साथ में। साथ ही साथ आपको मिलेंगे पीछे वाले टायरों में डिस्क ब्रेक, रियर डिस्क ब्रेक मिलेंगे। एक कमाल का फीचर इसमें और जुड़ जाएगा जो कि क्रूज कंट्रोल है, MX1 में क्रूज कंट्रोल नहीं आएगा, यहां से आपका क्रूज कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है भाई हाईवे में क्रूज कंट्रोल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। साथ साथ आपको मिलेगा इसमें ऑटो डिमिंग IRVM और इलेक्ट्रिकली एडजस्टिंग ORVM, साथ ही साथ आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगी इसमें, और इसमें आपको रियर ग्लास का वॉशर भी आपका इंक्लूड हो जाएगा, वाइपर एंड वॉशर, डिफॉगर, सब कुछ यहाँ से इंक्लूड हो जाएगा। एंड गाइज यहाँ से जो भी आपके ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक मिलेगा, डीजल ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा, एंड दोनों में जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है वो आपका टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है। एंड गाइज प्राइस की बात करें तो MX3 मॉडल का सबसे लोएस्ट प्राइस जो है वो 14.99 जो है आपकी पेट्रोल ऑटोमेटिक गाड़ी, उसके ऊपर जाएंगे आप डीजल मैनुअल 15.99 एंड उसके ऊपर डीजल ऑटोमेटिक जो है वो 17.49 लाख की है। ये सारे प्राइसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्स शोरूम प्राइस है, ठीक है। इसके ऊपर आपको जो भी RTO एंड इंश्योरेंस पड़ेगा तो वो चीज़ अलग है, तो आप 3 लाख रुपए पर पकड़ लीजिए गाड़ी का, तो वो होगी गाड़ी की ऑन रोड कॉस्ट जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी। जो अगला वेरियंट है वो है AX3 एंड AX3 LV बोल सकते हैं, ठीक है, 2 वेरियंट आते हैं इसमें। एंड इस वाले ये जो आपका चीपेस्ट वर्जन होने वाला है यहाँ से आपका एडास स्टार्ट हो जाएगा। बस इस वेरिएंट में पुराने सारे फीचर्स तो आएंगे, नए क्या मिलते हैं बताते हैं, एडिशनल फीचर्स जिनको बोलेंगे हम। तो भाई इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा एडास, ठीक है, चीपेस्ट वर्जन है एडास वाला। एंड इसके साथ आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड साथ ही साथ आपको मिलेगा एलेक्सा 1 साल के लिए फ्री। गाइज AX3 मॉडल आपका सिर्फ डीजल मैनुअल में अवेलेबल है, ठीक है, जिसका प्राइस रहेगा 16.99 लाख। एंड गाइज अब मूव करते हैं हम अपने अगले मॉडल की तरफ जो है MX5। एंड बाय मेरे अकॉर्डिंग ना ये सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल होने वाला है, इसमें आपको मोस्टली काफी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में। MX5 में आते हैं आपके पेट्रोल मैनुअल मॉडल, सबसे पहले स्टार्ट होता है पेट्रोल मैनुअल से जो कि 16.49 लाख से है। उसके बाद आता है पेट्रोल ऑटोमेटिक जो कि आपका 17.99 लाख, उसके बाद डीजल मैनुअल है जो कि आपका 16.99 लाख, एंड उसके बाद डीजल ऑटोमेटिक जो है वो आपका 18.5 लाख का 18.49 लाख से। गाइस यहां से स्टार्ट हो जाता है आपकी गाड़ी में 4x4, ठीक है। इससे पहले जितने मॉडल्स हैं उनमें 4x4 आपको नहीं मिलेगा, 4x4 आपको गाड़ी लेनी है तो आपको MX5 लेनी पड़ेगी, MX5 या उससे अपर मॉडल लेंगे तभी आपको 4x4 मिलेगा, और इससे नीचे के मॉडल में 4x4 नहीं है। एंड यहां से स्टार्ट हो जाएंगे आपके अलॉय व्हील्स, आपको मिलेंगे साथ ही साथ अलॉय व्हील्स गाड़ी में। MX5 मॉडल से आपको मिलेंगे 18 इंच के अलॉय व्हील्स, फिलहाल जो हमें वीडियोज है उसमें देखने को मिल रहे हैं वो टॉप मॉडल है, ठीक है। 18 इंच के अलॉय व्हील्स का डिजाइन सेम ही होने वाला है, बट मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, ठीक है, बट 18 इंच के अलॉय मिलेंगे ये गारंटी है, ठीक है। साथ साथ मिल जाएगा आपको सनरूफ मिल जाएगी, बड़ी पैनोरामिक नहीं मिलेगी बट छोटी सनरूफ मिल जाएगी आपको, DRS मिलेंगे आपको, TPMS मिलेगा, लेदर का इंटीरियर मिलेगा आपको बढ़िया सा, एंड फुटफिल लाइटिंग मिलेंगी। तो भाई ये सारे फीचर्स आने वाले हैं, ठीक है भाई। ये है मतलब अगर आपने MX5 ले लिया, मैं इसको वैल्यू फॉर मनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने MX5 ले ली तो ये जितनी भी आप बाहर मॉडिफिकेशन कराने वाले हो वो खर्चा आपका बच जाएगा। एंड इसके अलावा जो मॉडिफिकेशन आ रही है पर मॉडल में वो नहीं करा सकती क्योंकि वो मॉडिफिकेशन अवेलेबल नहीं है आफ्टर मार्केट पे, शायद फ्यूचर में हो जाए बट इस टाइम पे तो नहीं है। एक डिस्क्लेमर देता हूँ गाइस, ठीक है, पेट्रोल मॉडल में 4x4 अवेलेबल नहीं है। पता नहीं महिंद्रा ने इस बारे से क्यों किया कि पेट्रोल वालों को भाई 4x4 का ऑप्शन नहीं दिया है, बट चलो जो भी है, ठीक है। अगला मूव करते हैं AX5L मॉडल की तरफ जो कि आपके सिर्फ डीजल वेरियंट में आएगी, डीजल मैनुअल एंड डीजल ऑटोमेटिक,
डीजल मैनुअल जो आएगा वो 18.99 लैक्स का है, एंड डीजल ऑटोमेटिक जो आएगा इसका वो 4x4 का मॉडल है, ठीक है। उसका एक्सपेक्टेड प्राइस 22 लाख तक बताया जा रहा है, महिंद्रा ने ऑफिशियली इसका प्राइस अभी रिवील नहीं किया, तो 4x4 का प्राइस आना अभी भी बाकी है। तो गाइस इसमें पिछला जो अपना मॉडल था MX5, जिसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस के बारे में आपकी बात की, ठीक है, वो सारे फीचर्स तो उसमें आने वाले हैं, ठीक है, AX5L में। साथ ही साथ इसमें आपको मिलने वाली कुछ नई चीज़ें जो कि मतलब मैंने नहीं सुनी थी भाई, ठीक है, जिसमें से एक है आपका स्मार्ट क्रॉल का फंक्शन, ठीक है। इसमें एक बटन दिया हुआ है, उसका दबाएंगे और गाड़ी धीरे धीरे क्रॉल करेगी, ठीक, कहीं फंस गई है रेत में, मतलब कहीं मड में, कहीं भी ऑफ रोडिंग में, तो वहां से अपने आप क्रॉल करके खुद ही गाड़ी निकलेगी। एक स्मार्ट क्रॉल का फंक्शन है, साथ ही साथ एक फंक्शन है इंटरनल टर्निंग का, ठीक है, जिसको इंटरनल टर्निंग कह रहे हैं, तो इसमें गाड़ी टर्न करती है, ठीक है। वैसे ये जी प्राइम उसमें देखा हुआ है फंक्शन, मैंने ये जी वैगन में ये फंक्शन आता है, तो वो तो पूरी 360 डिग्री टर्न कर जाती है, बट महिंद्रा वालों ने भी फीचर डाला है, तो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं वीडियो क्लिप लगा दूंगा मैं आपके देखने के लिए। इसके बाद आता है टॉप मॉडल, जो कि हर जगह आपको देखने को मिल रहा है, वीडियोज में, फोटोज में, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां भी आप देख रहे हो आपको महिंद्रा थार रॉक्स जो आपकी हर जगह ट्रेंड कर रही है, वो वही मॉडल है AX7L, ठीक है। इसमें 3 वेरियंट आते हैं आपके, पेट्रोल ऑटोमेटिक, डीजल मैनुअल एंड डीजल ऑटोमेटिक। प्राइस की बात करें तो 19.99 लैक्स में आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक मिलता है, डीजल मैनुअल आपको मिलेगा 18.99 लैक्स में, एंड डीजल ऑटोमेटिक आपको मिलेगा 20.49 लैक्स में, ठीक है। ये सारी एक्सशोरूम प्राइस है इन गाड़ियों की। इस गाड़ी में जो फीचर है ना वो भर भर के डाले, लिटरली भर भर के, ठीक है। पहले वाले फीचर्स सारे हैं, DRVL सब कुछ है, ठीक है। साथ में आपको भाई इसमें क्या क्या मिलता है मैं बताता हूँ आप, कूल्ड ग्लव बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट, पावर्ड सीट ड्राइवर साइड वाली, ठीक है, एंड साथ साथ आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशन, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड, 19 इंच के अलॉयज, एडास लेवल 2, एंड भाई साथ ही साथ में मिलता है इसमें आपको हारमन का आपको जो म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है 4+2+2 का, ठीक है। इसमें आपका सबवूफर भी है एंड रूफ में भी स्पीकर लगे हुए हैं, बहुत ही तगड़ा साउंड सिस्टम है इसका। मतलब लोग करोलबाग जाके जो थार में जो मॉडिफिकेशन करवाते थे ना, तो भाई ये इस बार जो महिंद्रा ने जो गाड़ी लॉन्च करी ना, वो आग ऊपर से कुछ मॉडिफिकेशन कराने का वो छोड़ा ही नहीं है, बस सब कुछ पहले से आपको दे रही है स्टॉक गाड़ी में, तो आप अपने हिसाब से मॉडल चुन सकते हैं, जो मॉडल आपके बजट एंड आपके अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है उसको बुक करा सकते हैं। तो भाई इसकी जो बुकिंग है वो स्टार्ट होने वाली है आपकी 3rd of October से, एंड कह रहे हैं डिलीवरी जो है इसकी मतलब इस साल जो हमारा दशहरा है, दशहरे में इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ ऑब्वियसली बात है, पहले भाई जो कल्चर चला आ रहा है महिंद्रा का वही होगा, पहले सबसे पहले टॉप मॉडल्स की डिलीवरी होंगी, एंड अगर आप लोअर वेरिएंट बुक कर रहे हैं तो उसकी डिलीवरियां 2025 से ही होंगी, ऐसा अनुमान है हमारा, कुछ श्योर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ओके सो गाइस ये थे सारे वेरिएंट्स, ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिया डिटेल्ड वाइज, ठीक है। इनमें से आपको कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी लगता है जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो करते हैं यहीं पे, आपसे मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, देखते रहिए पीयूष के ब्लॉग्स। गाड़ी का नाम याद नहीं आ रहा है, ऑटोमेटिक कंट्रोल क्लाइमेट